एग्जाम प्लस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज 2 अगस्त 2020 है और आज के इस वीडियो में हम 2 अगस्त के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको डेली करंट अफेयर के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे जुलाई माह का बेस्ट 300 करंट अफेयर्स वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज इस वीडियो को मंथली करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और आप लोग आई बटन दबा के भी इस वीडियो को देख सकते हैं। कोना कोना उम्मीद अभियान किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने ग्राहकों के लिए बैंकिंग और खरीदारी को और अधिक फायदेमंद बनाने के लिए 2 महीने का एक अभियान कोना कोना उम्मीद शुरू किया है, जिसमें उपभोक्ता मांग को बढ़ाया जा सके और इस महामारी की स्थिति के दौरान लोगों का उत्साह बढ़ाया जा सके। कोटक बैंक ने 100 से अधिक ब्रांडों के साथ गठजोड़ किया है जो अपने ग्राहकों को खरीदारी, आवश्यक व्यक्तिगत देखभाल, शिक्षा और फिटनेस जैसी श्रेणियों में विशेष सौदे प्रदान करता है। कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी MD और CEO है उदय कोटक और इसका टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। स्कॉच गोल्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसे जनजातीय कार्य मंत्रालय को सम्मानित किया गया है। आदिवासी मामलों के मंत्रालय को सक्षम IT योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण परियोजना के लिए यह प्रदान किया गया है। यह प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया के सपनों को साकार करने, पारदर्शिता लाने, सेवाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार का एक कदम है। 66वीं स्कॉच 2020 प्रतियोगिता इंडिया रिस्पॉन्स टू कोविड थ्रू डिजिटल गवर्नेंस नाम से आयोजित की गई है। वर्तमान में हमारे केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। बांग्लादेश ने बिजली परियोजनाओं के लिए JERA ने किस भारतीय कंपनी के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किए हैं रिलायंस पावर के साथ। रिलायंस पावर और जापानी ऊर्जा प्रमुख JERA ने बांग्लादेश में अपनी नई गैस आधारित थर्मल पावर उत्पादन परियोजना के लिए बैंकों के एक समूह के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षरित समझौता बांग्लादेश के मेघना घाट में एक नई 745 मेगावाट प्राकृतिक गैस संयुक्त चक्र बिजली परियोजना के लिए लगभग $642 मिलियन का पूरा वित्त प्रदान करेगा। यह बांग्लादेश के बिजली क्षेत्र में एक परियोजना के लिए सबसे बड़ी फंडिंग टाई अप में से एक है। रिलायंस पावर के अध्यक्ष हैं अनिल अंबानी। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो यह की गई है रूस के द्वारा। रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6वीं बैठक का आयोजन किया गया। फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील, रूसी संघ, भारत गणराज्य, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के पर्यावरण मंत्रियों ने वीडियो सम्मेलन के माध्यम से आयोजित बैठक में भाग लिया। बैठक ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप की बैठक से पहले हुई थी। भारत 2021 में अगली बैठक की मेजबानी करेगा। वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। रूस की राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन और राजधानी है मॉस्को और इसकी मुद्रा है रूसी रूबल। विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 31 जुलाई को। विश्व रेंजर दिवस दुनिया भर में 31 जुलाई को मनाया जाता है और इसे अंतर्राष्ट्रीय रेंजर फेडरेशन के 54वें सदस्य संघ प्रमोट किया जाता है। यह दिन दुनिया भर के रेंजरों द्वारा की गई उपलब्धियों के जश्न में मनाया जाता है और उन लोगों को सम्मानित करता है जो अपने कर्तव्यों के दौरान मारे गए हैं। रेंजर वो लोग होते हैं जो पार्कलैंड्स और प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्रों को संरक्षित करते हैं। उन्हें आमतौर पर पार्क रेंजर या वन रेंजर कहा जाता है। इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन के प्रेसिडेंट है क्रिस गैलियस। हाल ही में
ली तेंग हुई का निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो वह ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति थे। ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हो गया। उन्होंने 1988 से सन 2000 तक ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। उन्हें ताइवान के लोकतंत्र का जनक भी माना जाता है। वर्तमान में ताइवान के राष्ट्रपति हैं साई इंग वेन। मार्स 2020 पर्सिवरेंस रोवर मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है नासा और यूएलए। इसका सही आंसर है ए और बी, ऑप्शन डी। नासा ने यूनाइटेड लॉन्च अलायंस यूएलए एटलस वी रॉकेट के साथ मार्स 2020 पर्सिवरेंस रोवर मिशन लॉन्च किया है। फ्लोरिडा में कैप कैनावेरल एयर स्टेशन पर स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 41 से मार्स 2020 पर्सिवरेंस रोवर मिशन शुरू किया गया। नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी और इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958 को। एमएसएमई सक्षम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह सिडबी और सिबिल के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी। सिडबी ने ट्रांस यूनियन सिबिल के सहयोग से फाइनेंशियल नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है। यह एमएसएमई के लिए लॉन्च किया गया है। एमएसएमई के लिए एमएसएमई सक्षम एक व्यापक वित्तीय शिक्षा और ज्ञान का मंच है। एमएसएमई सक्षम एमएसएमई को वित्तीय रूप से जागरूक और लोन तैयार करने के उन्हें सशक्त बनाएगा ताकि समय पर और सस्ती वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। यह उनके क्रेडिट लाइफ साइकिल के दौरान उनका मार्गदर्शन भी करेगा। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यह किया है उर्जित पटेल को। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड ने घोषणा की कि उसके बोर्ड ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को 5 साल की अवधि के लिए एक अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है जो कि 1 अगस्त 2020 से प्रभावी है। उर्जित पटेल ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक भी लिखी है। यह पुस्तक प्रकाशन हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा किया जाएगा। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड का रजिस्टर ऑफिस है मुंबई महाराष्ट्र में और उसके चेयरमैन है के एम सेठ। हाल ही में अमेरिका ने किस देश से ईस्ट निंदा कानूनों में सुधार करने का आग्रह किया है? तो यह किया है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान में एक अदालत कक्ष में अमेरिकी नागरिक ताहिर नसीम की हत्या पर हैरानी और नाराजगी व्यक्त करते हुए अमेरिका ने इस्लामाबाद से आग्रह किया कि वह प्रायः गलत तरीके से इस्तेमाल होने वाले ईश निंदा कानूनों में सुधार करे और अपराधी को न्याय दिलाए। कल के हमारे वीडियो का जो क्वेश्चन था वह था आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो उसका सही आंसर है हमीद बाकाया को। आज का जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है वह है नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करेंगे। आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर। व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।